यों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को खबर मिल चुकी होगी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है, जिसमें एक वैकेंसी वन रक्षक, मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022, इसका भी एक नोटिफिकेशन उसमें डाला हुआ है। तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुन रखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम ये चीज़ तो जानेंगे ही, पद, पाठ्यक्रम, है ना, एग्ज़ाम डेट, फिजिकल वगैरह, ये सब क्या होता है। साथ ही इसमें जो आरक्षण होता है वो बहुत ही टिपिकल टाइप का कुछ आरक्षण होता है। तो आरक्षण कैसे मिलने वाला है, इसमें कई सारे नियम जो हैं वो आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ के लिए आपको सही जानकारी मिलेगी, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जानकारी ही यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी चैनल पे आप लोग अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022, तो परीक्षा की जो आपकी तिथि होने वाली है वो कब होने वाली है, नवंबर में आपका एग्ज़ाम ये प्रस्तावित है, यानी कि ये सितंबर अक्टूबर में आपका इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और ये नवंबर में ये एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा। पद की बात करें तो पद आपके इसमें लगभग 1400 के आसपास पद हैं। ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये 1400 से ज़्यादा पद, लगभग 1500-1600, 2000 तक भी पद इसमें ये हो सकते हैं। इसके अलावा योग्यता क्या रहने वाली है, योग्यता आपकी है वैसे तो 12th है, 10th भी है, मतलब दोनों लिखा हुआ है वहाँ पे, 10th 12th दोनों चलेगा आपका। अगर आपने 10th की है एमपी बोर्ड से वो भी चलेगी, है ना, एमपी बोर्ड से करी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपने प्राइवेट जो होते हैं ना, ओपन बोर्ड से अगर 10th करी है तो वो नहीं चलेगी, है ना, केवल एमपी बोर्ड की 10th चलेगी। और 12th तो आपने अगर किसी भी बोर्ड से कैसे भी करी है तो वो 12th आपकी चल जाएगी। फिर साथ में आपकी आयु सीमा है, वो है आयु सीमा आपकी 18 से 30 वर्ष है जनरल के लिए। साथ में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, SC ST OBC के लिए 5 साल तक, लगभग 35 साल इनकी उम्र हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड वगैरह के लिए थोड़ा और रिलैक्सेशन है, लगभग 40 साल तक का उनके लिए, तो ठीक है ना। तो अनरिजर्व के लिए 18 से 30 है, और जो SC ST OBC है उनके लिए 5 साल का और है। साथ में आप देखेंगे कि ऊंचाई जो है वो है पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर है। साथ में पुरुषों के लिए सीने का फुलाव जो होना चाहिए वो जो अनएक्सपांडेड यानी कि बिना फुलाए हुए 79 होना चाहिए, और फुला के 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए, मतलब 79 से कम नहीं होना चाहिए, 79 से ऊपर जितना भी हो, जितना भी है आपका, उसके साथ आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। तो ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स हो गई। साथ में आपको पैदल चाल है जो कि आपकी 4 घंटे में 24 किलोमीटर है पुरुषों के लिए, और 4 घंटे में 14 किलोमीटर है वो है महिलाओं के लिए। साथ में आपकी ये जो नौकरी है वो 2 साल के लिए आपकी प्रोविजन में रहेगी, है ना, 2 साल तक आपको परमानेंट नहीं, सिर्फ आप परिवीक्षा में रहेंगे, ठीक है। तो 2 साल तक आपकी जो प्रोविजन का पीरियड रहेगा। सबसे मेन बात है इसमें जो आरक्षण आपको मिलता है वो जिले वाइज रोस्टर बनता है, जो कि आपका, अभी मैं इसको विस्तार से आपको समझाऊंगा। जिले वाइज आरक्षण आपको यहाँ पे मिलता है, भूतपूर्व सैनिकों को 10%, होमगार्ड को 30%, यानी 40% सीटें तो आपकी चली गई। अब बची हैं महिलाएं, महिलाओं को कोई भी आरक्षण यहाँ पे नहीं दिया जाता है, स्पेशल आरक्षण नहीं दिया जाता। ओबीसी का लड़का हो या ओबीसी की लड़की, एससी का लड़का या एससी की लड़की, सबके कट ऑफ बराबर जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई अलग से महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण दिया जाता था वो नहीं है, जबकि भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए ये आरक्षण दिया गया है। अपन बात करते हैं जिले वाइज रोस्टर। तो दोस्तों, ये मैंने एक, वैसे तो ये पूरे 52 जिलों का रोस्टर है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको केवल भोपाल ज़िले का लेके आया हूँ, 14 दिसंबर 2020 का। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको जिले वाइज आरक्षण दिया जाता है, जिले वाइज आपका रोस्टर बनता है, जिले वाइज आपकी सीटें होती हैं। साथ में आपको कोई भी एक जिला, 52 जिलों में से जितने भी जिलों में आपकी वैकेंसी निकली है, कोई भी एक जिला आपको सिलेक्ट करना होता है, और उसी जिले के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, उसी जिले का आप लोग को कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर रिजर्वेशन कुछ अलग ही तरीके से होता है, जैसे कि ये देखो, भोपाल में जनजाति के लिए 3% है, जबकि वैसे 21% के आसपास है, 20 से 21%। SC के लिए 14% है, जबकि 16% है वैसे। OBC के लिए 27% है। EWS के लिए तो हर एक जिले में 10% ही आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आरक्षण थोड़ा सा पेचीदा है, जिले वाइज आरक्षण आपको मिलेगा, ये मत समझना कि आप लोग एक बार देख लेना कि आपके ज़िले में कितने परसेंट क्या सीटें हैं, मैं ये शेयर कर दूंगा और कैसे आपका रोस्टर से आरक्षण दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट दी थी पिछड़ा वर्ग आयोग की, मध्य प्रदेश सरकार ने, उसमें उन्होंने बोला है कि 35% तक आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन वो निकाय चुनाव, जो पंचायत के चुनाव हैं या फिर जो नगर निगम के चुनाव हैं, उनके लिए उन्होंने बोला है, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़िले वाइज वहाँ पर दिया जाने का उन्होंने बोला है। तो दोस्तों,
आप सरप्राइज बिल्कुल मत होना कि अगर एमपी गवर्नमेंट ये जो आपका ये जो रोस्टर है ना जिले वाइज आरक्षण का, इसको चेंज करके यहाँ पे ओबीसी को 35% दिलवा दे, ठीक है ना। ये मैं मेरी तरफ से संभावना बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अभी जो आपका 14 दिसंबर 2020 का जो रोस्टर है, इसमें केवल आपको 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। खैर ओबीसी की जनसंख्या तो हर जगह काफ़ी है, तो ओबीसी को 27% से कम तो मिलना नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी इनका ज़रूर एससी एसटी का थोड़ा कम ज़्यादा होगा, बाकी जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा अपन आते हैं पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम दोस्तों अभी यहाँ पर मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अभी डीपली भी बताऊँगा। अंग्रेजी 20 नंबर की आएगी, हिंदी 20 नंबर की, विज्ञान 20 नंबर की, सामान्य ज्ञान भी 20 नंबर का, गणित 20 नंबर का। रीजनिंग इसमें नहीं आती, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन इस गणित के अंदर ही आ जाते हैं। टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। दोस्तों अब आपको इसका विस्तृत सिलेबस का अगर कोई बोले तो विस्तृत सिलेबस कुछ भी नहीं दे के रखते हैं ये लोग, सिर्फ यही दे के रखते हैं जो मैंने यहाँ पे दिया है। बाकी आपको अगर डिटेल्ड अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी, जो पुराने सालों के पेपर हैं है ना, उनको एक बार आप लोग देख लेना पीबी की साइट से डाउनलोड करके, कि इंग्लिश कैसी पूछी जा रही है, हिंदी कैसी पूछी जा रही है। देखो हिंदी साहित्य नहीं आता है बिल्कुल भी, हिंदी साहित्य का अगर आएगा तो एक आध क्वेश्चन आएगा, बाकी संधि समास है ना, वर्तनी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, अलंकार व रस छंद यही है ना। और विज्ञान में आपकी 9th-10th की NCERT आएगी, सामान्य ज्ञान में लगभग 15+ क्वेश्चन, तो 15-16 क्वेश्चन तो आपके MPGK के ही आते हैं। गणित में आपका बहुत बेसिक सा गणित आता है, 10th लेवल का भी नहीं होता वो तो अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। इंग्लिश की रही बात तो इंग्लिश भी आपकी काफ़ी आसान इंग्लिश आती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इंग्लिश के 10 पेपर सॉल्व कर लेना है, है ना, 10 पेपर सॉल्व कर लेना है, और उन्होंने जो जो रूल उसमें लगे हुए हैं उनको आप लोगों को याद कर लेना है। तो 10 पेपर आपने सॉल्व कर लेंगे तो इंग्लिश में आपके 20 में से ये मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 18+ नंबर आप लोग कवर कर लोगे अगर आपने 10 पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिए। कहाँ से करना है आपको, टेस्ट बुक से आप लोग लगा लेना, उसमें एक क्वेश्चन दिया होगा, उसका सॉल्यूशन दिया होगा, उस सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ना, उसमें सारे रूल्स क्लियर है। ऐसे आपने 10 पेपर और सारे रूल्स को अगर लिख लिए कॉपी में, आपने पढ़ लिया, तो आपकी इंग्लिश कवर, इसी तरीके से हिंदी भी कवर हो जाएगी। बाकी रही बात मैं कब से क्लास स्टार्ट करूंगा, तो दोस्तों अभी मेरी 21 मई को मेरी UPSI की रनिंग है, तो जैसे ही मेरी ये रनिंग कंप्लीट होती है तो मेरा 3 घंटे यहाँ से बचत हो जाएगी, 3 से 4 घंटे जो मैं सुबह रनिंग में देता हूँ वो। फिर इसके अलावा मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा बॉन्ड है, मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके साथ है ना, तो वो मेरा ख़त्म हो जाएगा कब, अपना जून में ख़त्म हो जाएगा। तो बस 10-15 दिन बाद मैं वहाँ से भी फ्री हो जाऊँगा, तो फिर मैं मतलब कि ना तो मुझे कहीं पे पढ़ाने जाना है और ना ही मेरा ये है, ठीक है। इसके बाद जो भी मेरे पेपर वगैरह हैं सब कुछ से मैं फुर्सत हो जाऊँगा, कब तक, 15 जून तक मैं लगभग हर जगह से फ्री हो जाऊँगा, और 20 जून से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे है ना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूँ है ना कोचिंग से और तुम लोग यहाँ पे वो करो, है ना। तो इसलिए सभी लोग बिल्कुल चैनल पे बने रहना, आप लोग सपोर्ट देना है ना, जैसा आप सपोर्ट देंगे वैसा मेरी तरफ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। मैं सभी सब्जेक्ट की आपकी अच्छे से तैयारी करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा आप, सुरेश मालविया सर एग्जामिन चैट ग्रुप, जिसमें आप बतिया सकते हैं, और एक है एग्जामिन सुरेश मालविया सर जो कि चैनल का ही नाम है, उसमें सिर्फ मेरे मैसेज आते हैं, तो दोनों ही को ही आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। साथ में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी भी आपके पास अगर रोजगार पंजीयन से रिलेटेड गड़बड़ है तो उसको सही करवा लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है उनको सही करवा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है फॉर्म भरने से पहले, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सही करवा लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवाना है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवा लो, ठीक है। अगर आप 10th की मार्कशीट में चेंज करवा पा रहे हैं तो उसके बाद भी सारे डॉक्यूमेंट को 10th के अकॉर्डिंग ही आपको करवाना है, रोजगार पंजीयन करके रखना है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि सर हमारा रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, पापा का नाम इसमें गलत है, मम्मी का नाम उसमें गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करो, फिर 20 जून से अपन तगड़ी स्टडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।